कुकिंग ईट दिश ईट हेल्दी में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बनाना और मूंग दाल की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर पहले से ही रख दिया था, उसमें तेल भी गर्म हो गया है। इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच राई, राई को चटकने देते हैं, दो लाल मिर्च और जीरा, करी पत्ता लहसुन वो डाल देंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज है वो डाल देंगे। मिक्स करके प्याज को जो है चला के थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, इसी में डालूंगी थोड़ी सी हींग और इसे मिक्स कर देंगे पाउडर, इसे भी मिक्स। इसमें मैं डालूंगी टेस्ट अनुसार नमक। और आपको मैं फ्रेंड बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है ये कच्चा बनाना है केला, इसको मैंने पहले उबाल दिया, छीला उसको, फिर कुकर में डाल के उबाल दिया, ये सॉफ्ट हो गया कच्चा केला। अब मैं इसको कुकर में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने एक बनाना लिया था कच्चा और इसे मिक्स कर देंगे इसी में। मूंग दाल है ये, इसको मैंने आधा घंटा के लिए भिगो के रखा है, इसी में डाल दूँगी इसको भी और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा जो है हल्का गीला ही बनता है, जैसे हम लोग तोरी की सब्जी बनाते हैं नहीं, थोड़ा सा इसे जो क्या करेंगे, अगर कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और डालूँगी हल्का सा। अब इसको तीन सीटी दिला देते हैं कुकर में। यहाँ पे मैंने तीन सीटी दिला लिया और इसके बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम जो है गल गया है यहाँ पर सब केला और मूंग दाल, ये सब बहुत अच्छे से। अब इसमें मैं कुछ डालूँगी, यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ती और इसी में डालूँगी थोड़ा सा कोकोनट फ्रेश है, अगर है तो आप डाल दें बहुत अच्छा लगता है। और इसे मिक्स कर देंगे, इसे मिक्स करके थोड़ा सा हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए एकदम धीमी आँच पर, फिर खा सकते हैं। फ्रेंड्स नारियल और हरी धनिया मैंने डाला, इसको मैंने सीटी नहीं लगाया, बस ऐसे ही ढका था एकदम धीमी आंच पे कि बस थोड़ा सा ये भी अच्छे से इसमें घुल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे सब अच्छे से मिल गया और कितना गाढ़ा है वो भी आप देख लीजिए, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे चपाती से, चावल से, मैंने जिससे भी मैंने आप खा सकते हैं, तो खाइए। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।